तीर कोहराम अस्त्र भी तबाह तबाह कर दे। वाह क्या हसीन मंजर है। दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई है। पर याद है बादशाह सलामत हम सब बर्बाद हो गए। मलका आलिया बादशाह सलामत शहर पर शैतानों के काले बिच्छू आसमान से कहर बनकर शहर को बर्बाद कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं बादशाह सलामत। मलिका हमीरा का खून खार चीमा और आदम खोर लीमा आग और पत्थर बरसा रहे हैं। हमें बचाइए हमें बचाइए बादशाह सलामत। वो जालिम इस शहर को बर्बाद ना करे उससे कह दो कि वो मुझे मार डाले लेकिन मेरे रियाया को ना मारे। मेरी मददगार मसीहा उस जालिम हमीरा से कहो वो मुझे मारकर अपना कलेजा ठंडा कर ले। नहीं जालिम को कुछ कहने और समझाने का वक्त गुजर चुका है अब सिर्फ लड़ने और मुकाबला करने का वक्त है। मैं जाता हूं और तलवार सुलेमानी से उसका मुकाबला करता हूं। शहजादा तालिब मजा आ गया। या अल्लाह कर मदद। फाटिमा भागो यहां से। तलवार सुलेमानी से हमारा जिस्म जल जाएगा। लीमा ये हमारा पुराना दुश्मन है। अगर इसने तलवार सुलेमानी से हमारे सर काट दिए तो फिर हम कभी जिंदा नहीं हो सकेंगे। हमें बहुत अफसोस है कि हम पूरा शहर बर्बाद न कर सके और तालिब और तैयबा को जान से न मार सके। कोई बात नहीं ये शौक फिर कभी पूरा कर लेना। आज इतना ही बहुत था। मैं उन सबको अपनी तिलिस्मी ताकत का तमाशा दिखाना चाहती थी कि तिलिस्मी कायनात के हुक्मरा मलिका हमीरा जादूगरनी की ताकत क्या है। और तीसरे मोती का पता तो तालिब को मिल ही नहीं सकता। लेकिन मलिका हमीरा वो तीसरा मोती है का? यही तो तीसरे मोती का राज है जो किसी को भी मालूम नहीं हो सकता। उस तीसरे मोती को मैंने अपने दिल में छुपा लिया है। क्या वो तीसरा मोती तेरे दिल में छुपा हुआ है? हाँ तीसरे मोती को मैंने अपने दिल में छुपा लिया है और उस मोती को मैंने अपने दिल में इस तरह छुपा लिया है सिंदबाद जहाजी के मुखबिर जिन जहादीरा को भी नजर नहीं आ सकता। तीसरा मोती मुझे कुछ पता नहीं मेरे आका मुझे कुछ पता नहीं। तुझे पता नहीं क्या कह रहा है मेरे मुखबिर जिन जहां दीदा पता खबर दे सोच कर बता देख कर बता कहां है तीसरा मोती। तीसरा मोती मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मेरी नजर जहां तक गई वहां तक मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मुझ गुलाम को माफ कर दे मैं शर्मिंदा हूं मेरे आका। जिंदगी में पहली बार मुखबिर जिन तुझे खबर देने में नाकाम रहा चला जा दूर हो जा मेरी नजरों से चला जा। मुझे माफ कर दे मेरे आका। अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा मेरे मोहतरम
मेरे बुजुर्ग मददगार, मेरे मोहसिन सिंधबाद अब क्या होगा? मुश्किलें आसान नहीं होंगी। ये तिलस्मी कायनात की हुक्मरा मलिका हमीरा जादूगरनी का बिछाया जादुई जाल है। 15 दिन गुजर चुके हैं, फिर दिन यूं ही गुजरते चले जाएंगे और तीसरे मोती का पता निशान तक नहीं मिल सकेगा। वो तीसरा मोती है तैयबा की जिंदगी का आखिरी तीसरा मोती। तीसरा मोती तलाश करने में सिंधबाद नाकाम रहा, अब सहराई दरवेश भी नाकाम रहेगा। नहीं आ रहा है, कहां है तीसरा मोती, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्या होगा तालिब, जब तीसरे मोती का पता ही नहीं है तो फिर तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? बीस दिन गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और अभी तक यह भी पता नहीं कि तीसरा मोती कहां है। दिन गुजर रहे हैं, जिंदगी जा रही है, मौत करीब आ रही है। तालिब, तालिब तुम मेरी जिंदगी का ख्याल छोड़ दो, मेरी जिंदगी से प्यार न करो, सब्र करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो, अपनी जिंदगी बचाओ। मैं तो अपनी जिंदगी से मायूस हो गई हूँ। मायूस ना हो तैयबा, अल्लाह के रहमो करम से मायूस ना हो, अल्लाह के फजलो करम से ही तो हम अभी तक जिंदा हैं, वरना जालिमों ने तो हमें मारने के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया। मेरे बुजुर्ग मददगार सहराई दरवेश, कोई तो रास्ता बता दो जिससे मुझे तीसरे मोती का पता चल जाए। अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पीरे कामिल आमिल फकीर बादशाह, जिसने शहजादी तैयबा के बचपन में शहजादी तैयबा को काला जादू, बुरे जिन्नात और शैतान के असर से बचाने के लिए वो 3 करामाती मोती दिए थे। वो पीरे कामिल आमिल फकीर बादशाह मिलेंगे कहां? ये तो मैं भी नहीं जानता। बचपन में जिस दिन फकीर बादशाह ने हमारी बेटी को वो 3 करामाती मोती दिए थे, उस दिन से आज तक फिर कभी किसी ने भी उस फकीर बादशाह को नहीं देखा। लेकिन शहजादा तालिब, तुम अल्लाह का नाम लेकर और दिल में फकीर बादशाह से मिलने की तड़प लेकर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर निकल जाओ, रवाना हो जाओ, आखिर में तुम फकीर बादशाह तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं तैयबा, मैं अभी जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, जी रहा है। बेवकूफ तालिब, बेखबर तालिब, बर्बाद तालिब, हो के बर्बाद हमें इश्क में जीना होगा। क्या खबर थी तुम्हें ये जहर।